नमस्कार, हाय व्यूअर्स, रेसिपी कल्याणीज में आपका फिर से स्वागत है। व्यूअर्स, आज मैं पके हुए पपीते की हलवा बना रही हूँ, तो आइए समय बर्बाद न करते हुए उम्दा स्वाद वाले पके हुए पपीते की हलवा बनाते हैं। इसके लिए मैं एक पके हुए पपीते ली हूँ, इसको धोकर इसके छिलके उतार कर इसके छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ। यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि पपीता तो पका हुआ हो पर अधिक गला हुआ ना हो। यहाँ एक बात का ध्यान और रखना है कि पपीते को छोटे टुकड़ों में काटने से पहले इसके अंदर जो सफ़ेद वाला भाग होता है इसको आप साफ कर लें, और इसके छिलके के साइड में जो ये सफ़ेद वाला भाग होता है इसे भी आप काट कर निकाल दें, क्योंकि यह मीठी भी नहीं होती है और अधिक सख्त होती है, और हलवे का इसको आप अगर रखेंगे तो हलवे का स्वाद बिगड़ जाएगा। तो आइए पपीते पके हुए पपीते की हलवा बनाते हैं। धीमी आंच में मैं एक पैन को गर्म होने के लिए बैठा दी थी, अब इसमें मैं 2 बड़े चम्मच घी डाल देती हूँ। घी पिघल जाने पर इसमें मैं 4 काजू और 4 आलमंड को हल्का सा भून लूंगी। इसको काफी नहीं भूनना है, थोड़ा सा केवल कलर चेंज हो जाए उसके बाद मैं इसको निकाल लूंगी। इसके कलर चेंज हो गए हैं, इसको अब मैं निकाल लेती हूँ। और इसी घी में मैं थोड़ी सी किशमिश को भी भून लूंगी। किशमिश जल्दी भून जाती है, इसीलिए मैं इसको इसके साथ में नहीं डाली थी, इसको मैं बाद में भून रही हूँ। किशमिश भी भून चुकी है, अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। अब इसी घी में मैं पपीते को डाल देती हूँ और इसके साथ इसमें थोड़ी थोड़ी सी नमक भी डाल देंगे, एकदम थोड़ी सी। और इसको थोड़ी सी चला देंगे और फिर थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। इसको एक बार ढक के फिर बीच बीच में चला के ढक के इसी तरह से इसको गलने तक पकाएंगे। इसको लीड को हटाकर मैं इसको चला देती हूँ। जब भी आप चलाएं थोड़ी सी इसको मैश भी करते रहें। आप कोशिश करें कि जब भी किसी चीज़ की हलवा बनाएं तो घी से ही बनाएं, इससे इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। फिर इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। लीड को हटाकर इसको मैं फिर एक बार चला लेती हूँ और थोड़ी सी मैश भी कर देती हूँ। और आँच को आप मीडियम टू लो ही रखें। अब फिर इसको मैं ढक देती हूँ। जब तक ये पक रही है मैं ड्राई फ्रूट को हमदस्ते में छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। लीड को हटाकर देखती हूँ पपीते गली या नहीं। देखिए पपीते अच्छी तरह से गल चुकी है, अब इसको थोड़ी देर और भून लूंगी ताकि इसमें जो छोटे छोटे टुकड़ों हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाए। थोड़ी भूनने के बाद इसमें मैं चीनी मिला दूंगी। थोड़ी देर भून चुकी हूँ, अब इसमें मैं 2 बड़े चम्मच चीनी डाल देती हूँ। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार दें, आप जितनी मीठी मीठा खाते हैं उसी अनुसार आप चीनी दें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि पपीता कितनी मीठी है। अब चीनी से जो पानी छोड़ रही है उस पानी को सुखा लेंगे। जब तक ये थोड़ा सा टाइट नहीं हो जाता है मीडियम फ्लेम में इसे लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है और इसमें से घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। इस समय इसमें मैं 2 बड़े चम्मच खोआ डाल लेती हूँ और इसको अच्छी तरह से इसमें मिलाऊंगी। खोआ इसमें अच्छी तरह से मिलने तक इसको मैं भूंजूंगी। खोआ हलवे में अच्छी तरह से मिला चुकी हूँ। अगर आपके पास खोआ नहीं है तो आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं जो ड्राई फ्रूट्स भून के रखी थी उसको छोटे टुकड़े करके जो रखी थी इसको मैं डाल रही हूँ। इसमें मैं अधिक ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जिस चीज़ की हलवा बना रही हूँ उसका तो स्वाद आना चाहिए। आप ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें आप पिस्ता भी डाल सकते हैं। 2 छोटी इलायची के पाउडर इसको डाल रही हूँ। 1 बड़ी इलायची के दाने इसको डाल रही हूँ।
क्योंकि ये जब आप खाएंगे तो इसकी बाइट काफी अच्छी आएगी। और ये किशमिश भी इसको डालकर इसमें अच्छी तरह से मिला लूंगी। अब ये मेरा पपीते का हलवा बनकर तैयार है। तो व्यूअर्स, ये रही पके हुए पपीते का हलवा। इसे आप एक बार जरूर बनाएं। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।